और इसी तरह जो है सफ़र के ताल्लुक से एक रिवायत मिलती है, सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 1115, अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक से आता है कि सफ़र पर आप गए, मक्का से आप मदीना जा रहे थे, रमज़ान का वक्त था, सब ने रोज़ा रखा, रोज़े ही की हालत में आप सफ़र पर थे, लेकिन जो है सब लोग अल्लाह के रसूल सल्लम की तरफ देख रहे हैं क्योंकि अरब की गर्मी, इतनी गर्मी, अब सब लोग अल्लाह के रसूल देख रहे हैं कि उनको भूख प्यास लग रही है, तो अब वो क्या करें, अल्लाह के रसूल ने देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लम चलते रहे चलते रहे यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया। नहीं तो लोग इसमें क्या करते हैं, इसलिए ये हदीस को बता रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि नहीं, अगर किसी को रोज़ा तोड़ना भी है तो वो असर से पहले पहले तोड़ ले, असर के बाद रोज़ा तोड़ेगा गुनाहगार होगा। तो अल्लाह के रसूल असर के वक्त तक अल्लाह के रसूल रुके, और जब अल्लाह के रसूल देखा कि हाँ वाकई अब लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने एक पानी का प्याला मंगवाया और पी लिया, फिर दूसरा प्याला मंगवाया उसको ऊपर किया ताकि सारे लोग देख लें, और उसके बाद सबको दिखाकर आपने पानी पिया और आपने रोज़े को तोड़ लिया। ये फ़र्ज रोज़ा था, रमज़ान का रोज़ा था। और फिर जो है सहाबा ने क्या कहा कि अल्लाह के रसूल, बाज़ लोगों ने, अब जो ताकतवर होंगे उन्होंने कहा कि नहीं तोड़ा, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि बाज़ लोगों ने रोज़े को नहीं तोड़ा, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया ये लोग ना फरमान हैं। तो देखिए आप, जो असल ये है कि सफ़र पर हो, ऐसा सफ़र है जो लंबा है, तो ऐसे सफ़र के अंदर आप जो है नहीं रखना ये सुन्नत है। बाद में उसको, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें हम वो भी नहीं करेंगे कि आदमी जो है उसको ये लगता है कि नहीं बाद में नहीं कर सकता मैं, फिर मेरे पास वक्त नहीं है, फिर वो मशक्क़त कर लूँगा लेकिन अभी रखूँगा, बाद में फिर मैं कज़ा पूरी नहीं कर सकूँगा अगले साल, तो फिर वो उसका मसला है, वो उसके अंदर फिर वो तकलीफ़ देकर भी रख सकता है। तो किसी को अगर परेशानी भी हो तो वो भी रोज़ा तोड़ सकते हैं, इससे रिवायत से हमको इसमें ये चीज़ हमको उसमें मिलती है।